अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो सदीकी बॉस को जो है वो ब्लड कैंसर हो गया और उन्होंने ख़ुद अपनी ज़ुबानी बताया है कि उनका इलाज चल रहा है और कितने पैसे की उनको ज़रूरत है और उन्हें दुआ की अपील की है। सो आप उनकी वॉइस सुनिए कि उन्होंने ख़ुद ये वीडियो पैगाम बनाया है आप सबके लिए ताकि आप लोग को उनकी तबीयत के बारे में पता लग सके। सो चलिए आप लोग सुनिए इनकी वीडियो और इनके लिए दुआ करें। एक ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो है वो ऑपरेशन ठीक हो रहा था, पता लगा ब्लड में कोई इशू है, वाइट सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हुए। चेकअप कराते रहे, इतने में डॉक्टर ने कह दिया कि बोन मैरो टेस्ट होता है, वो होगा। वो टेस्ट करा लिया, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। एक चीज़ होती है ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं CML, तो मुझे CML CP जो है वो हो गया। अब उसकी ट्रीटमेंट है, वो सारी चीज़ें होंगी। बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है पाकिस्तान के अंदर उसकी। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। 45 लाख रुपये तकरीबन सालाना उसका जो है वो खर्चा है। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि वो ट्रीटमेंट कराई जाए। बस आप तमाम लोगों से दुआ की बेहतरीन अपील, डू विजिट SBR फिलवक कुछ अरसे के लिए, शाह फैसल ब्रांच और यूनिवर्सिटी ब्रांच जो है, कोशिश करूँगा कि दोनों पे चक्कर लगा लूँ। लेकिन फिलवक जो है मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, ऑफिस में नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए सामने ही बैठ जाता हूँ कभी चारपाई लगा के कभी सोफ़ा लगा के। मुझे नहीं पता लोगों को इस पे क्या कमेंट करना है, मैं बताता भी नहीं। वो हमारे यहाँ जो है वो नज़र जो होती है वो साफ चलते वुड को जो है वो पतीले में कर देती है। तो हमारे यहाँ जो है बड़ा एक ये वाला मसला भी है। सपोर्ट करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जो 2-4-5 मुखालफत करते हैं वो भी भरपूर करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप तमाम लोगों से दुआओं की अपील, और जितने भी टिकटॉकर हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़िंदगी के किसी मोड़ पे तो मैंने आपका साथ दिया होगा और किसी मोड़ पे तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, अपने अंदाज पे खड़ा हुआ हूँ, काले कलर की शलवार कमीज़ पहन के, हाथ में अंगूठियाँ लेके, सारी चीज़ों पर खड़ा हुआ हूँ। आप लोग जब मेरे पास आए होंगे तो भी मैंने आपसे इज्जत से ही बात की होगी, एहतराम से ही बात की होगी। तो आप तमाम लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेरे हक में दुआ कीजिएगा कि बेहतरी हो। 23 तारीख से जो मेन कोर्स है कैंसर का वो शुरू करूँगा, तो शायद ये भावे में चली जाएँ, ये बाल बाल चले जाएँ, तो खैर उसके बाद भी इतनी मोहब्बत दिखाइएगा। मैं आखिरी वक्त तक लड़ने वाला इंसान हूँ, मैं हार नहीं मानूँगा और इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मानूँगा। बच्चे बहुत छोटे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआ करें इनके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अपडेट में आपको दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।